हेलो जाहिन साथियों, कैसे हो? आज लेकर आए हो अग्निवीर जीडी ट्रेडमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन रखा गया आपका 17 अप्रैल जो आपका अग्निवीर का ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके लिए एक क्वेश्चन रखा गया, क्योंकि एक क्वेश्चन पीबीआरसीआर में पूछा गया, 17, 18, 19 में पूछा गया, वही ओरिजिनल पेपर से एक क्वेश्चन उठाकर लेकर आया हूँ। क्योंकि इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा बार आपका पीबीआरसीआर में जो क्वेश्चन पूछा गया वही सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है, इसलिए बच्चों अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पीबीआरसीआर में पूछा गया वही क्वेश्चन पढ़ लो, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जीके और जीएस 20 क्वेश्चन रखा गया है, और इसी 20 क्वेश्चन में आपका टारगेट कितना रहेगा, 18 प्लस आपका टारगेट रहेगा। कोई बात नहीं है, आप नया बच्चा हो तो आपका 15 प्लस टारगेट रहेगा, और जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली का डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा, देख लीजिए गौतम बुद्धा का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बता दीजिए, चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, सिद्धार्थ को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, देख लीजिए सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरह इसका राइट आंसर देख लीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, कंपोजिट नेचुरल गैस को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजेंद्र सिंह इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स, देख लीजिए विजेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, मुक्केबाजी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर, बॉक्सिंग खेल से संबंधित है विजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज, हाँ, पोर्ट इज द लोकेटेड इन गुजरात, देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, पोर्ट आपका कैंडला पोर्ट को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेयर इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, ये तो हमारा बच्चा देखकर ही इसका राइट आंसर दे दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार कराएगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, हैदराबाद को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा नया पीडीएफ लॉन्च हो गया है, उसी पीडीएफ के अंदर है 2015 से लेकर 2023 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ था आपका, ईयर का कोई भी ईयर से हो, ईयर लंचडन, ईयर जम्मू, ईयर श्रीनगर, ईयर कोई भी एयरो से हो, सभी एयर का मिल जाएगा, बेंगलुरु बेंगलुरु, एयरो सिलीगुड़ी, एयरो बहरमपुर, कलकत्ता, सभी का मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसका कीमत जो 6 ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका कीमत है ओनली 99 रुपया। को जो बंदा लेना चाहते हो जरूर इसी नंबर पे कॉल कीजिए, पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी मिल जाएगा, पीडीएफ से रिलेटेड सभी जानकारी इसी नंबर पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, जिस बंदा पिछले 6 ईयर का क्वेश्चन लेना चाहते हो जरूर इसी नंबर पे कॉल करके सभी जानकारी ले लीजिए, और लास्ट में एक बार पीडीएफ भी देखा देंगे, कोई टेंशन का बात लास्ट तक बने रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Which of the following temple is located in Madurai? देख लीजिए निम्नलिखित में कौन से मंदिर मदुरई में स्थित है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, मीनाक्षी टेम्पल को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स, देख लीजिए दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन, देखता हूं कौन कौन बच्चा देता है,
जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, क्रिकेट को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच रेगुलेशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों किस क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादों से है, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन डी को चुना, ग्रे रिवोल्यूशन को चुना, ग्रे क्रांति को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डाउट लगे तो जरूर एक बार गूगल कर लीजिए, गूगल बाबा तो हमारा पास ऑलवेज टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेयर इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड, देख लीजिए तारापुर परमाणु विज्ञान जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, महाराष्ट्र को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और दोस्तों देख लीजिए इसी पीडीएफ के जो बंदा को 15 प्लस क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए उसका बहुत ही अच्छा जबरदस्त तैयारी चल रहा है, कोई बात नहीं, इसी तरह तैयारी करो, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। और आपका ईयरों का जो 6 ईयर का क्वेश्चन है, पिछले 15, 16, 17, 18, 19 में जो ओरिजिनल पेपर पूछा गया वो अभी तक नहीं लिया तो हमारा पास है, वो जरूर पीडीएफ ले लीजिए, ओनली 99 रुपया में मिल जाएगा। बार बार ही मौका मिलता है, एक दो बार ही मौका मिलता है, वही मौका कम पे लगाकर आपका मंजिल हासिल करना पड़ता है। तो दोस्तों जिस बंदा अभी तक नहीं लिया जरूर कॉल करके ले लीजिए, कॉल टाइम अवेलेबल है, जब मन चाहे कॉल करके ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरस एगेंस्ट, देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा जो विषाणु के कारण है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आपका चारों रोग का नाम दिया हुआ है, तो दोस्तों डिजीज का नाम दिया हुआ है, तो दोस्तों इसके अंदर कौन सा जो आपका वायरस के कारण होता है, बता दीजिए। और बच्चे एक बात बता देता हूँ, आपका तुक्का मत मारना, तुक्का मारेगा तो 100 में 100% आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए अब तुक्का मत मारना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, रेबिस को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया, देख लीजिए भारत का पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, बलदेव सिंह को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ज्ञानपीठ अवार्ड इस्टेब्लिश्ड व्हिच ईयर, देख लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार का कब शुरुआत हुआ था, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, 1961 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, देख लीजिए सबसे बड़ा या सबसे छोटा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनता है, अच्छा तरह पढ़ाई करो। और हमारा चैनल तो आपके लिए दिली गवा दिया, कोई बात नहीं, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और इसी सेशन को थोड़ा सा आपका अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके हमको मोटिवेशन दिला दीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है, जो रेगिस्तान है उसका नाम क्या है, बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, सहारा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन स्टार, देख लीजिए डैश ग्रह, यहाँ पे डैश होगा पृथ्वी का जो रे बहन कहा जाता है, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए, कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, विनर्स को चुना, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज लेडी विद द लैम्प, देख लीजिए लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में साइंस चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, रेड ड्रॉ कुछ भी नहीं है, बच्चे तुक्का मरेगा तो रेड ड्रॉ को ही मरेगा, इसीलिए रेड ड्रॉ नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा सही आंसर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, When the East India Company was set up in Indian's ruler was, देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को समय भारत का शासक कौन थे, बता दीजिए। उस टाइम आपका मुगल का शासन थे, तो दोस्तों मुगल एम्पायरी होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिए कौन थे, देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर देता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, अकबर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फ्री थ्रो वर्ड रिलेटेड टू व्हिच गेम। देख लीजिए फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन डी को चुना, बास्केटबॉल को चुना, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। देख लीजिए जो बंदा अभी एग्जाम दिया था अग्निवीर का फर्स्ट बैच का, एक या दो मार्क्स के लिए उसका छूट गया, वो जरूर कॉल कीजिए और अच्छा तरह वो PDF लेकर, आप कोई भी ऐसे हो, या रो दिल्ली, या रो अहमदाबाद, या रो कोई भी फिरोजपुर, पानीपत, या रो कोई भी ऐसे हो, सभी यारों का मिल जाएगा आपका, हमारे पास सभी यारों का अवेलेबल है। तो दोस्तों आपका यारों का क्वेश्चन पेपर लेकर पढ़ो, अच्छा तरह क्लियर हो जाएगा। हम नहीं बताता हूँ आप दूसरा बुक नहीं पढ़ो, ऐसे नहीं है, आप दूसरा बुक भी पढ़ो, लेकिन आप जो मोटा मोटा बुक होता है, बड़ा बड़ा बुक होता है वो पढ़ो, लेकिन हमारा साथ में ये 99 रुपया का PDF पढ़ो। आप नया बच्चे हो इसीलिए आपका जानकारी नहीं है, लेकिन हम बता देता हूँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा PBR CR का क्वेश्चन पढ़ो, आपका एग्जाम वहीं से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट कर देते हैं वो बच्चों, इसीलिए बच्चों को रिपीट कर देता है। तो दोस्तों आप जरूर कॉल करके ले लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया लोकेटेड। देख लीजिए भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत शिखर है वो कहाँ, श्रृंखला है वो कहाँ पर स्थित है, सॉरी यहाँ पे कहाँ पर नहीं होगा, ये कौन सा है बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, अरावली रेंज को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरस अगेन। सॉरी ये क्वेश्चन आपका दूसरा बार हो गया है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, दूसरा बार आपका पेस्ट हो गया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो दोस्तों हु रोट कादंबरी, देख लीजिए कादंबरी किसने लिखा बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों कादंबरी जो लिखा था वो बाणभट्ट ने लिखा था, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इसी प्रश्न पत्र का। तो दोस्तों कानपुर सिटी बैंक ऑफ व्हिच रिवर, देख लीजिए ये तो आपका सभी बच्चे का ही राइट आंसर दे दिया इसका। तो दोस्तों देखते हो कौन कौन बच्चा देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, गंगा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसी 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आया वो भी बता देना, दिल से एक बार बता देना। और जिस बंदा अभी तक PDF नहीं लिया इसी नंबर पे कॉल करके ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और PDF एक बार देखा देता हूँ किस तरह है। तो दोस्तों हमारे पास इसी तरह ओरिजिनल पेपर आता है, यही ओरिजिनल पेपर से वो PDF बना दिया। तो दोस्तों किस तरह देख, तो दोस्तों देख लीजिए आपका ये आरो नागपुर का है, ये हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा, जनरल ड्यूटी का है आपका, GD ट्रेडमेंट क्लर्क नर्सिंग सभी का अवेलेबल है। तो दोस्तों ये 99 रुपया कीमत है, GK GS मैथ रीजनिंग सभी मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार देखा देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह आपका बहुत सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, जरूर कॉल करके ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।